देख रहे हैं प्राइम स्टोरी। सहारनपुर नकुड़ विधानसभा क्षेत्र के अम्बेटा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा पर जमकर निशाना साधा और वेस्ट यूपी में प्लान का मुद्दा उठाकर कहा कि स्वर्गीय बाबू हुकम सिंह की पहल से कानून व्यवस्था दुरुस्त की गई। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पूर्व सीएम अखिलेश यादव अपना प्रत्याशी उधार दे सकते हैं, लेकिन क्षेत्र में चुनाव प्रचार करने की हिम्मत नहीं है। आज की इस चुनावी सभा के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्रीमान विजेंद्र कश्यप जी, जिसमें आप सबका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में श्रीमती मृगांका सिंह जी आज यहां पर लोकसभा के उपचुनाव में प्रत्याशी के रूप में आप सबके बीच में है। ये पूरा मंच आप सबका समर्थन और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपके बीच आया है। भाइयों बहनों, हम सब आपसे अपील करना चाहते हैं कि अपने स्वर्गीय नेता भारतीय जनता पार्टी को, जिन्होंने गांव, गरीब और किसान तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका का निर्वहन किया, स्वर्गीय हुकुम सिंह जी के प्रति हम सबकी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी कि उनकी विरासत योग्य हाथों में जाए और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान समृद्ध हो, सुरक्षित हो और ये क्षेत्र एक बार पुनः विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करे। सरकार प्रदेश में बनी थी तब प्रदेश की स्थिति क्या थी? एक अराजकता का सा वातावरण था, नौजवान परेशान था, किसान आत्महत्या कर रहा था, सर्वत्र प्रदेश में दंगे हो रहे थे और प्रदेश के अंदर हाहाकार की स्थिति थी। प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को वेतन देने के लिए प्रदेश के खजाने में पैसा नहीं था, लेकिन उस सब के बावजूद जब बात सामने आई कि 15 वर्षों की पिछली सरकारों के गलत कार्य प्रणाली के कारण किसान बदहाल है, आत्महत्या करने के लिए मजबूर है, तुम्हारी कैबिनेट ने विधानसभा चुनाव के पूर्व किए गए वायदे के अनुसार किसानों के कर्ज माफी के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अकेले सहारनपुर जनपद में 58,487 किसानों के कर्ज माफी के कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न करके हम लोगों ने प्रशासन को और शासन को स्पष्ट निर्देश दिया है कि फसल ऋण माफी के कार्यक्रम में बैंक की गलती के कारण या कंप्यूटर की गलती के कारण अगर कोई किसान छूट दिया है तो किसी भी हाल में 31 मई तक उस किसान के कर्ज को माफ करने का कार्य संपन्न कर दिया जाए और अगर इसमें कोई लापरवाही बरतेगा तो जो भी इसके प्रति जिम्मेदार होगा, जिस भी स्तर पर लापरवाही होगी, तहसील या जिला या कमिश्नरी स्तर पर, उन अधिकारियों की जवाबदेही भी तय होगी। लेकिन हम किसानों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, किसानों पर अत्याचार नहीं होने देंगे। आप देख रहे हैं प्राइम स्टोरी।